अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जानती हूँ कि बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, बट रिसेंट कुछ दिनों से मैंने थोड़े से शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि मैं अपनी फैमिली के साथ अपने ड्रीम वेकेशन पे निकली हूँ। तो हमारे ड्रीम वेकेशन की शुरुआत हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था ओमान मस्कट। ओमान रीच होकर एयरपोर्ट से निकलने के बाद वहां पे हमने एक कार रेंट किया हुआ था, टैक्सी नहीं था, हमने कार प्रॉपरली रेंट किया हुआ था। तो कार लेके हम लोग निकल पड़े हैं अपने अकोमोडेशन की तरफ। हमने होटल बुक नहीं किया, हमने एयरबीएनबी या अगोडा से हमने एक घर बुक किया हुआ था। हमारा स्टे मस्कट ओमान में था फॉर अबाउट 19 आवर्स। तो हमने कोई भी पल मिस नहीं किया, ऐसे वेस्ट नहीं किया, वी आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। और हम लोग एक्सप्लोर करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े, क्योंकि हमने फॉर 19 आवर्स के लिए रेंट आउट किया था, फॉर अ नाइट रेंट आउट किया था। तो ये है हमारा ओमान वाला घर जहाँ पे हम लोग नाइट स्टे करेंगे। इट वॉज़ अ 2 BHK फ्लैट। ये कम्प्लीट घर हमें मिला था और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। तो फिर हम लोग ने घर के अंदर सारा अपना जो भी बैगेज था रख के हम लोग तुरंत ही निकल पड़े लुलू मॉल। लुलू मॉल में हमने की थोड़ी सी शॉपिंग। अपनी फर्दर जो ट्रिप है उसके लिए हमें कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था, बस वही हमने ख़रीदा यहाँ से, क्योंकि यहाँ की कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरी और बच्चों की फेवरेट है। सो हमने लुलू मॉल से थोड़ी सी चीज़ें खरीदी, फिर हम लोग निकल पड़े डिनर करने के लिए। हम लोग गए थे शवरमा लैब। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर आप मस्कट ओमान जा रहे हो तो फिर प्लीज़ लुक आउट फॉर द प्लेस एंड डू ट्राई आउट द शवरमास एंड ग्रिल व्हाटएवर दे हैव टू ऑफर, इट्स सुपर यम्मी। तो ये दूसरा दिन की पिक्चर है, वहाँ पे पूल था तो हम लोगों ने पूल में थोड़ा सा स्विम वगैरह किया। देन आफ्टर दैट हम निकल पड़े हैं अभी अगेन एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि हमें अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट लेनी है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए एयरपोर्ट वापस। हमने जो कार रेंट किया था वो क्विक या कीक है, QEEQ, आप चेक कर ले, उससे आप बड़ी आसानी से अपने लिए कार बुक कर सकते हैं कहीं पर भी, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो हमने आगे वाली डेस्टिनेशंस में भी हमने कार बुक की है सेम कंपनी से, इट इज़ QEEQ अगेन। सो यहाँ पे एयरपोर्ट रीच होने के बाद में हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं एयरपोर्ट लॉन्च में। यहाँ पे हम लोग करेंगे लंच, फिर थोड़ा सा हम लोग एयरपोर्ट एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि मैंने ना पूरा वाला एयरपोर्ट नहीं देखा था। मैंने कई वीडियोस में देखा था कि ये वाला एयरपोर्ट ना बहुत ही प्यारा सा बना हुआ है, तो मुझे ना क्यूरियोसिटी थी कि मैं जाके ना खुद से देखूँ कि ये कैसा बना हुआ है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा एयरपोर्ट एक्सप्लोर किया, फिर बाद में सलाह टाइम हो गया था तो सभी ने यहीं पे सलाह पड़ी। यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्यारा रूम बना हुआ है, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। सो सलाह पड़ने के बाद में हम लोग अपनी फ्लाइट का वक्त हो गया था, तो हम लोग फ्लाइट के पास चले गए थे। क्या आपको जानना है कि हम लोग कहाँ पे गए हैं? मैं ऐसी प्लेस में गई हूँ जो कि हर इंसान का ड्रीम होता है कि वो ज़िंदगी में एक बार जाए। अगर आपको जानना कि ये कौन सी वाली जगह है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, क्योंकि बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियोज आने वाली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर, हाफिज़।